दोस्तों, आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया गया था हीरो मोटोकॉर्प का, और ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हालांकि डाउन ट्रेंड पे दिखाई दे रहा था, बट कहीं कहीं अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बनाया जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटे से टारगेट को प्लान किया गया। तो आगे चल के देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट बना, एंड ये सिर्फ इसलिए ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, फ्यूचर में भी आप काम कर सकते हैं एक से दो लॉट के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर के एक लॉट के साथ ट्रेड किया गया एंड 4000 के आसपास तक का प्रॉफिट बुक किया गया। एंड एक और फ्यूचर का ट्रेड यहां पे मैंने बनाया है रिलायंस का, तो यहां पे फिलहाल अभी 2000 के आसपास तक लॉस चल रहा है। तो ये ओवरऑल चार्ट का पूरा सिनारियो है एंड किस लॉजिक के साथ रिलायंस का फ्यूचर मैंने लिया है, तो यहां भी आपको ये चीजें मैं समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से एक फॉल हुआ है रिलायंस में, और अगर मार्केट संभलता है यहाँ से निफ्टी और निफ्टी बैंक, तो फिर रिलायंस को चलना पड़ेगा। और 2500 का और 2520 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है रिलायंस के पास, तो फिलहाल इसको रिलायंस तोड़ने वाला नहीं है। और आज पूरा दिन स्ट्रगल किया है तोड़ने के लिए सेलर्स ने, बट कहीं कहीं ये एरिया काफी इम्पोर्टेंट एरिया है। तो अभी फिलहाल लॉस हम लोगों का चल रहा है, एनीवे लॉस प्रॉफिट सेकेंडरी मैटर है, बट मैं आपको ये चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग के अलावा और दूसरे एसेट में भी जाके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज इसलिए मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया एंड वही हम लोगों का सिमिलर प्लान था, वही हम लोगों का सिमिलर प्लान ऑफ एक्शन रहता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। तो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोगों ने बुक किया है, एक ट्रेड में प्रॉफिट एंड दूसरा ट्रेड अभी भी होल्ड है। इसको मैं ओवरनाइट ले जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग मत ले जाना। एंड